गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज आवर लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ टुडे वी हैड स्टार्ट द क्लास फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर टू. हियर व्हाट एक्सरसाइज नंबर टू, चैप्टर नंबर टू, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. एक्सरसाइज नंबर टू, फर्स्ट क्वेश्चन इट इज चेक वेदर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई गिवन ए एंड बी आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस. क्या बोला, चेक वेदर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन, ए की वैल्यू दिया एक्स इक्वल टू एंड वाई की वैल्यू फाइव एंड बी की वैल्यू एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड वाई की वैल्यू थ्री. तो व्हाट द क्वेश्चन सेज, ए एंड बी आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस. सॉल्यूशन मतलब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे टू पुटअप करेंगे और वाई की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, फाइव पुटअप करेंगे. उसके बाद प्लस करने के बाद सॉल्व करने के बाद ये देखेंगे वेदर दिस टू वैल्यू एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल्स टू फाइव सेटिस्फाई ऑफ दिस इक्वेशन. सेटिस्फाइंग ऑफ दिस इक्वेशन, अगर वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू फाइव, सो ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दैट दिस गिवन इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, देखो मैं क्लियर करता हूँ इसको, बोलना क्या चाह रहा है ये. देखो पहले ले लेते हैं ए वाला, ठीक है. केस नंबर वन, दिस इज केस नंबर, इसको केस नंबर वन ले लेते हैं और दिस इज व्हाट केस नंबर टू. सो व्हाट इज द वैल्यू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या ले लेंगे यहाँ पे टू एंड वाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं फाइव इक्वल्स टू सेवन. तो टू प्लस फाइव क्या हो गया सेवन, तो सेवन इक्वल टू सेवन विच इज ट्रू, सही है. सो हैंस क्या लिखोगे, हैंस एक्स इक्वल्स टू टू कॉमा वाई इक्वल्स टू फाइव इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. बस ये तो करना, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, बस इतना ही करना था अपने को, ठीक है. सेटिस्फाई कर रहा है ना, देखो ना टू प्लस फाइव क्या है सेवन और सेवन इक्वल टू सेवन, सो एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू फाइव इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन. सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो एक्स इक्वल टू टू है और वाई इक्वल टू फाइव ये क्या है, सॉल्यूशन है. किसका सॉल्यूशन है, गिवन इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है. अब देखो केस नंबर टू ले लेते हैं. केस नंबर टू क्या है अपने पास, ये है एक्स इक्वल टू माइनस वन और वाई इक्वल टू थ्री. तो यहाँ पुट अप कर दो, इस इक्वेशन पुट अप करो x प्लस वाई इक्वल्स टू सेवन, ठीक है. तो x के लिए क्या लेंगे अपन, केस नंबर, ये केस नंबर वन था और ये केस नंबर टू ले लेते हैं. x के लिए क्या है पे माइनस वन प्लस y की वैल्यू थ्री इक्वल्स टू सेवन, क्लियर. तो माइनस वन प्लस थ्री टू इक्वल्स टू सेवन, टू इक्वल्स टू सेवन विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible. Hence, what we have to write, hence, x equals to minus 1 and y equals to 3 is not a solution of given equation. ठीक है, x equals to minus 1 and y equals to 3 is not a solution of किसका, इसी के इक्वेशन का. यहाँ पे देखो x इक्वल टू टू और y इक्वल टू फाइव पुट अप किया तो सेवन इक्वल टू सेवन, व्हाट वी कॉल x इक्वल टू टू y इक्वल टू फाइव इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है. बट यहाँ जैसे इसको पुट अप किए x इक्वल टू माइनस वन y इक्वल टू थ्री इसमें पुट अप किए तो अपने क्या आ गया, टू इक्वल टू सेवन विच इज नॉट पॉसिबल. सो हैंस x इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू थ्री इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. तो ये जो x इक्वल टू माइनस वन है ये और ये इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन नहीं है, क्लियर है. ओके, तो यहाँ तक क्लियर है. सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेम है. सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 13. 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 13. तो केस नंबर वन, केस नंबर वन में क्या लेना है, x इक्वल टू टू एंड y इक्वल्स टू फाइव, x इक्वल्स टू टू एंड y इक्वल्स टू फाइव. तो पुटिंग हियर, ठीक है ना, केस नंबर वन ये है x इक्वल टू y इक्वल टू फाइव. तो टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव. I am just here putting the value of x and y here. Okay, to 2 to the 4 plus 5, 5 is 25 equals 13. So 4 plus 25, it makes 29 equals 2. Is it clear? It is possible. Which is not possible. Which is not true. Asal ekhlo. Which is not true. True hai kya? True nahi hai. Hence, dekhlo yaha pe. Hence, x equals to 2, y equal to 5 is not a solution. Is not a solution of the given equation. Clear?
नाउ सी द सेकंड केस नंबर टू फॉर द सेम इक्वेशन. केस नंबर टू फॉर द सेम इक्वेशन. केस नंबर टू क्या था? एक्स इक्वल्स टू माइनस वन एंड वाई इक्वल्स टू थ्री. सो पुट हियर, हियर पुट अप करो. यहाँ पे टू इक्वल्स टू माइनस वन पुट हियर, प्लस का प्लस, फाइव व्हाट इज ऑल वाई थ्री इक्वल्स टू थर्टीन. तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस फाइव थ्री जो फिफ्टीन इक्वल्स टू थर्टीन. तो टू माइनस माइनस टू प्लस फिफ्टीन इक्वल्स टू थर्टीन. तो थर्टीन इक्वल्स टू थर्टीन ये विच इज ट्रू, विच इज ट्रू. हैंस व्हाट वे टू राइट? हैंस एक्स इक्वल्स टू माइनस वन वाई इक्वल्स टू थ्री इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. क्लियर है? सो इफ द वैल्यू आर सेम एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. अब यहाँ देखो फर्स्ट वाले में क्या होता है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. सो वी कॉल दैट एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू फाइव इज अ सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन. हियर ऑल्सो एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस. सो वी कांट से दैट दिस एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड वाई इक्वल टू थ्री इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. हियर सी वी आर पुटिंग एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू फाइव. सो एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस, सो विच इज नॉट ट्रू. हैंस एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू फाइव इज नॉट अ सॉल्यूशन. Same also, putting here x equal to minus 1, case 2, so 13 equals 13, so LHS equal to RHS, we call that, which is true, x equals to minus 1 and y equals to 3, so it is a solution of given equation. Satisfy karna chahiye students, LHS equal to RHS hona chahiye. So wo kya kehlayega? Solution kehlayega. Clear hai? Theek hai? Third and fourth is homework for you. Do it yourself. Same ऐसे ही करना है. आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस देखना है. अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया तो वो इक्वेशन है, सॉरी सॉल्यूशन है, नहीं तो फिर नहीं है. क्लियर है? सी दिस. ठीक है ना? एक्स इक्वल टू वाई, पहले ये थर्ड फर्स्ट वन डन, सेकेंड डन, थर्ड एंड फोर इज होमवर्क फॉर यू. क्या करोगे? एक्स इक्वल टू पुट अप करोगे, वाई इक्वल टू फाइव पुट अप करोगे. देखोगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है कि नहीं. ये होने के बाद इसका ये पुटअप करना, केस टू एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड वाई इक्वल टू थ्री इन सेम इक्वेशन. ओके क्लियर है? नाउ लेट अस सॉल्व दिस. सेम क्वेश्चन है, चेक विच वन ऑफ ए और बी इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. सेम क्वेश्चन, यहाँ ए और बी था, यहाँ भी देखो ए है और क्या है बी है. सेम क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग हियर. ओके नाउ सेम क्वेश्चन, चेक विच वन ऑफ ए और बी इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस. चेक विच वन ऑफ ए और बी इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. तो क्या करना है, पहले इसको पुट अप करेंगे. ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन. व्हाट द क्वेश्चन सेज, चेक विच वन ऑफ ए और बी इज अ सॉल्यूशन. एक्स इक्वल टू थ्री, वाई इक्वल्स टू माइनस वन, एंड सेकेंड कंडीशन वाई एक्स इक्वल टू वन बाई टू एंड वाई इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री. ठीक है, तो क्वेश्चन है टू, हियर टू इक्वेशन आर देयर, टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन एंड टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री. ठीक है, नो वन बाय वी आर पुटिंग हियर. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू. केस वन लेते हैं. केस वन क्या है हमारे पास, एक्स इक्वल टू थ्री एंड वाई इक्वल्स टू माइनस वन. ठीक है, केस वन यही है. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन पुट अप हियर, पुटिंग हियर टू इक्वेशन नंबर वन, तो क्या है, टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल्स टू वन. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर में डालते हैं. तो टू एक्स वैल्यू क्या है, थ्री है. देखो एक्स वैल्यू थ्री, फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इक्वल्स टू वन. तो देखो यहाँ पे थ्री टू जै सिक्स, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फाइव वन जै फाइव. तो सिक्स माइनस फाइव इट मेक्स वन. यस इट इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू. क्लियर? Now again, from equation number 2, from equation number 2, equation number 2 क्या है, 2x plus 3y equals to 3. So what is all x, 3 है. ठीक है, equation number 1 हो गया, इसके value which is true हो गया. अब what we are taking, we are taking equation number 2, we are taking equation number 2. तो y के value क्या है हमारे पास, minus 1 equals to 3. अब यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है, थ्री टू जस्ट सिक्स, प्लस माइनस माइनस थ्री इक्वल्स टू थ्री. तो सिक्स माइनस थ्री
सो विच इज ट्रू, सही है, विच इज ट्रू, ठीक. तो फर्स्ट वे पुटिंग एक्स वन इक्वल टू थ्रू वाई इक्वल टू वन इन फर्स्ट इक्वेशन, देन वे पुटिंग एक्स इक्वल टू थ्री वाई इक्वल टू माइनस वन इन द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है. तो लास्ट में क्या लिखोगे? तो लास्ट में लिख लो, सो एक्स इक्वल्स टू थ्री एंड वाई इक्वल्स टू माइनस वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ द बोथ इक्वेशन, और वे टू सेट सॉल्यूशन ऑफ गिवन, लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में बोथ इक्वेशन. समझ आया? ठीक है, क्या लिखो? एक्स इक्वल टू थ्री एंड वाई इक्वल्स टू माइनस वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और बोथ इक्वेशन, ठीक है ना. यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, फिर ऑल्सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. ओके, नाउ अब ये केस नंबर वन था, अब केस नंबर टू पुट अप करते हैं, देखते हैं. नाउ सी एक्स इक्वल वन बाई टू एंड वाई इक्वल, अब पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन ले लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, क्या इक्वेशन नंबर वन, टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल्स टू, नाउ पुटिंग हियर टू मल्टीप्लाई बाई एक्स के वैल्यू वन अपॉइंट टू प्लस फाइव वाई के वैल्यू वन अपॉइंट थ्री इक्वल्स टू वन. तो टू टू कैंसल, तो ये हो जाएगा वन प्लस फाइव अपॉन थ्री इक्वल्स टू वन. क्लियर है? नॉट टेकिंग द एलसीएम, एलसीएम में तो क्या आएगा, थ्री थ्री प्लस फाइव इक्वल्स टू वन, तो ये आ जाएगा थ्री प्लस फाइव एट अपॉन थ्री. इट इज पॉसिबल स्टूडेंट एट अपॉन थ्री इक्वल्स टू वन, इट इज पॉसिबल, विच इज नॉट ट्रू. Which is not true. अब देखो यहाँ पे, अब यहीं पे ये क्या हो गया, which is not true हो गया, ठीक है. यहाँ पे पहले इक्वेशन पुट अप किया, इसे इक्वेशन पुट अप किए, 2x plus 5 equals to 1. तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ही क्या बता दिया, 8 upon 3 equals to 1. So which is not true. So we are not going to the next condition. Second condition क्या था हमारे पास, ये था 2x plus 3y equals to 3. No need to make. अपने को इस इक्वेशन में जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पहले इक्वेशन में क्या बोल दिया हुआ, which is not true. So we are not going to the second condition. ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन में कहते हैं, इस पे देखो फर्स्ट कंडीशन लिए थे केस नंबर वन पे, तो यहाँ पे एल एच इक्वल टू आर एच एस हुआ. देन वी गोइंग टू द सेकंड कंडीशन, टू एक्स प्लस थ्री वाई पे गए थे, ठीक है, दोनों सेटिस्फाई हो गए थे. बट हियर सी आर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखो एक्स इक्वल टू वन बाई टू केस नंबर टू, एक्स इक्वल टू वन बाई टू एंड वाई इक्वल टू वन अपॉन थ्री, जैसे ये लिए तो क्या हो गया, पहले इक्वेशन में लिए तो क्या हुआ, वट वी हैव टू मेक, पुटिंग हियर एक्स इक्वल वन बाई टू और वन बाई थ्री, ठीक है, इसमें पुट अप किए तो क्या हो गया, एट अपॉन थ्री इक्वल्स टू वन, विच इज़ नॉट ट्रू. तो पहले कंडीशन पे ही वे बोल दिया विच इज़ नॉट ट्रू, सो वी आर नॉट गोइंग टू द सेकेंड कंडीशन. तो यहाँ पर लिख दोगे हैंस, सीधा सीधा लिख दोगे हैंस, एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू एंड वाई इक्वल्स टू वन बाई थ्री इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है. वो पहले कंडीशन पे, पहले इक्वेशन पे ही वो क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो अपन को सेकंड कंडीशन में जाने की जरूरत है ही नहीं. तो लिख दोगे x इक्वल टू वन बाई टू एंड वाई इक्वल टू वन बाई थ्री विच इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. क्लियर, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? नो सो द सेकंड वन. नाउ सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड है, ठीक है, सेकंड का सेकंड. वही कंडीशन है, x इक्वल टू थ्री वाई इक्वल टू माइनस वन एंड b इक्वल टू क्या, x इक्वल टू वन बाई टू एंड y इक्वल टू वन अपॉन थ्री, ठीक है, सेम क्वेश्चन है. करना क्या है, वही करना है अपने को जो कर रहे थे. तो यहाँ पहला कंडीशन है, पहला इक्वेशन x प्लस वन इक्वल फाइव एक्स वाई, और सेकंड कंडीशन है थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थर्टीन एक्स वाई. तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू थ्री फर्स्ट कंडीशन केस वन ले लेते हैं, ये अपना केस वन, और ये कौन सा है, केस टू है. तो केस वन में क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव एक्स वाई, सो व्हाट इज द एक्स, थ्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई स्टूडेंट, माइनस वन, ओके फाइव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, थ्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, माइनस वन. क्लियर है? तो थ्री प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू फाइव, थ्री इज अ फिफ्टीन टू माइनस वन माइनस वन, तो यहाँ जाएगा टू इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन, टू इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन, विच इज, लिख दोगे सीधा सीधा, विच इज नॉट ट्रू. तो क्या आपने को सेकेंड इक्वेशन में जाने की जरूरत है क्या? नहीं है. सीधा सीधा लिख दोगे, ठीक है ना, अब पहले कंडीशन पे ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एल एच एस इक्वल टू एल एच एस नहीं हो रहा है, सो वी कांट गो टू द नेक्स्ट कंडीशन, विल नॉट गो टू द नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है. तो यहाँ लिख दोगे हेंस
क्या लोगोगे? एक्स इक्वल्स टू 3, वाई इक्वल्स टू माइनस 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. गिवन इक्वेशन, नो नीड टू गो टू द सेकंड कंडीशन. क्लियर? नाउ केस नंबर 2, क्या है केस नंबर 2? एक्स इक्वल टू 1/2, वाई इक्वल टू 1/3, सेम यही पुट अप करना है यहाँ पे, है ना. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5xy, क्लियर है. व्हाट इज ऑल x? 1/2. व्हाट इज ऑल y? 1/3 इक्वल्स टू 5. x के वैल्यू क्या है? 1/2 और 1/3. जस्ट आई एम पुटिंग हियर x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, क्लियर है. नॉट टेकिंग LCM तो आ जाएगा 6, तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 2 6. अब यहाँ पे देखो 5/6 आ गया, 5/6, यस विच इज़ ट्रू, ठीक है ना, विच इज़ ट्रू. अब ये पहला कंडीशन पे जो फर्स्ट इक्वेशन था ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये पहला इक्वेशन था तो सेटिस्फाई कर रहा है. एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है, सॉरी गोइंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन पे जाएंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, समझ आ रहा है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पे जाएंगे. तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13xy, यही है, हाँ ठीक है. तो क्या पुट अप करना है, x के वैल्यू क्या पुट अप करना है? 1/2, और y के वैल्यू 1/3. तो 3 1/2 पुट अप करो प्लस 2, y के वैल्यू क्या पुट अप करोगे? 1/3, ठीक है. केस नंबर 2 कर रहे हैं अपन. सो 13 मल्टीप्लाई व्हाट इज वैल्यू x, x के वैल्यू 1/2, और y के वैल्यू क्या है? 1/3. क्लियर है, अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2/3, ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे 6. नॉट टेकिंग LCM, ये आ जाएगा 6, ठीक है. 2 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 13/6, तो 9 + 4, 13/6. क्लियर है, तो सही है, विच इज़ ट्रू, विच इज ट्रू. तो लिखोगे विच इज ट्रू, हैंस क्या लिखोगे? हैंस एक्स इक्वल्स टू 1/2 एंड वाई इक्वल्स टू 1/3, ठीक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन, गिवन या लिख लो बोथ, बोथ इक्वेशन, बोथ इक्वेशन. क्लियर है, क्लियर हुआ, ठीक है. सो इन दिस ईयर स्टूडेंट्स, इसमें क्या किए, पहले कंडीशन पे गए तो वहीं पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, 2 = -15, सो वी आर नॉट गोइंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन. बट यहाँ पे जैसे क्या हुआ, यहाँ पे x इक्वल टू 1/2, केस 2 पे x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3 वी आर पुटिंग हियर, सो व्हाट वी गेट? 5/6 एंड 5/6, व्हिच इज ट्रू. सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन. तो नेक्स्ट इक्वेशन में वही पुटअप किए, x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू 1/2 और वाई इक्वल्स 1/3 वी आर पुटिंग हियर, सो व्हाट वी गॉट? 13/6 13/6, विच इज ट्रू. सो वी हैड राइट हियर एक्स इक्वल्स टू 1/2 वाई इक्वल्स 1/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. क्लियर, इज इट क्लियर? तो ऐसे आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. तो सेकेंड का आई एम गिविंग होमवर्क फॉर यू, डू इट योर सेल्फ. सेकेंड का 3rd एंड सेकेंड का 4th वन इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है. इज देयर एनी टाइप ऑफ डाउट देन आस्क. क्लियर? सो टुडे वी आर स्टॉप द क्लासेस, सो टुडेज क्लास इज ओवर. इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस सम न्यू थिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, बी सेफ, टेक केयर.